Nobody has filed the reply till date. क्या मैटर क्या है? Matter is my lord, the respondent number 9 is Mr. B.L. Mishra. जी He is a retired SDM. जी Then he has become an advocate. जी And then he has become a whistleblower. जी And also chief editor of a newspaper. जी He, my lord, has filed as many as 50 PILs, my lord, in the Honorable High Court. जी And if my lord would see P1, page 18, जी the Honorable High Court has said, my lord, that he is a formed a cartel. And there are, my lord, I'll read page 19 for a moment. Yes. The order passed by the division. The state has filed the reply in that case, my lord. He filed a PIL against. ठीक है, come to the point, my lord. There are details of 21 cases against the petitioner. कहाँ पढ़ रहा है? ये para 2 है, जी. page 19. ये जो respondent number. तो आप अपना locus बताइए, who are you? हुआ यूं सर कि ये जो petitions. Who are you नहीं? Who are you? मैंने अंग्रेजी में सवाल पूछा, हूँ मैं यू नहीं है उसका उत्तर। यस माय लॉर्ड, आई एम आल्सो वन ऑफ द कंप्लेनेंट अगेंस्ट मिस्टर मिश्रा। जी ही हैज माय लॉर्ड मेड सेवरल कंप्लेंट्स अगेंस्ट अस माय लॉर्ड। आई एम अ कॉलोनाइजर। हाँ जाइए, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करिए। सीकिंग एन इंक्वायरी अगेंस्ट द ऑफिसर्स हु हैव पास्ड माय लॉर्ड मैं काइंडली सी After hearing me, my lord, the honorable court has issued notices to the respondent. ठीक है, court may have been very kind to you. We have paid the PF. He has not appeared. Nobody has appeared. ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है that. My lord, heard on question of admission, issued notice to the respondents on payment of process fee. Yes, my lord. There is absolutely no whisper as to on what material notices were issued. My lord. So you will have to satisfy me. Material were in the petition. You will have to satisfy me that what is your locus and how relief can be granted to you. My lord. I will not permit any blackmailing in my court. Let me be very clear. Who's blackmailing? हाँ, चलिए। I am not blackmailing anybody. आप बताइएगा ना, आपका लोकस समझाइएगा। Yes. My lord, may see. कहाँ लोकस कहाँ लिखा है आपने? लोकस। पैराग्राफ पढ़िएगा लोकस का पहले। In fact, my lord, I have filed the FIR against this respondent number 9. हाँ तो pursue that FIR. That is being going on in the court of law. बस फिर that is P2. हाँ regarding my lord that he has blackmailed me for a extraction of a plot. Then my lord what has happened? कहाँ है वो FIR? This is P2. P2 पढ़िए। page 21. जी सूचना करता शैलेंद्र सिंह। हाँ वो ठीक है, उसके बाद विषय बीएल मिश्रा उसके पुत्र मधुर मिश्रा नीलेश दुबे द्वारा एक राय होकर प्रार्थी की बेशकीमती भूमि को विवादित करने का भय दिखाकर 100x100 वर्ग फीट प्लॉट का बहुमूल्य लेने की बदनीयत। क्या हुआ इस केस में? तो 15 की एप्लीकेशन है ना सर, इनके ये जो है अधिकारियों पे प्रेशर बनाते हैं और इनके कारण कोई भी अधिकारी खुद रेवेन्यू ऑफिसर है रिटायर्ड, कोई एक्शन नहीं लेता है। अच्छा, और मैं डिमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि इन्होंने हमसे ही हमारे एंसेस्ट्रल से प्लॉट लिया जी, फसरा नंबर 589 जी। अब इन्होंने क्या करा सर कि 589 में जब कलेक्टर ने आदेश पारित कर दिए कि 589 को भी सरकारी, इन्हीं की शिकायत पे ये सारी जमीनों को सरकारी घोषित किया जाए जी। मैं सर वो पेपर पढ़ देता हूँ, कमिश्नर का ऑर्डर है पेज 112 देख लें सर जी, पेज 112 सर। तो ये किस तरह से अधिकारियों पे दबाव बनाते हैं मैं वो दिखाना चाहता हूँ। जी, जी, जी। निगरानी कर्ता के अनुसार अनावेदक बीएल मिश्रा ने खसरा नंबर 589 पैरा 2 पढ़ रहा हूँ सर जी, पेज 112 जी। निगरानी कर्ता के अनुसार अनावेदक बीएल मिश्रा ने खसरा नंबर 589 में से ही जमीन हासिल कर अपना मकान बनाया है। नस्ती पर उपलब्ध विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि लक्ष्मण सिंह ने खसरा नंबर 589 का अंश भाग 70/60 फुट का विक्रय रजिस्टर्ड बयनामा 30/70 द्वारा राजेश कुमार बाबूजी खरे को विक्रय किया। तत्पश्चात राजेश कुमार तनय बाबूजी खरे सुभाष श्रीमती जानकी मिश्रा पुत्री प्यारेलाल नायक, जानकी मिश्रा इनकी वाइफ, क्रय भूमि को जानकी मिश्रा ने अपने पति बीएल मिश्रा को वसीयत की।
श्रीमती जानकी मिश्रा की मृत्यु पश्चात वसीयत के आधार पर बीएल मिश्रा को भूमि खसरा वर्ष 18-19 में 589/घ, जो इनका मकान है वो 589/घ हो गया, छतरपुर के नाम दर्ज हुआ। कैफियत के कॉलम 12 में कैफियत दर्ज है कि न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार के राजस्व प्रकरण 100-100 में आवेदक पति के नाम नामांकन स्वीकृत। इस प्रकार खसरा नंबर 589 घ, जो कि 589 का भाग है, खसरा नंबर 589 सन 58-59 में लक्ष्मण सिंह के भूमि स्वामित्व की भूमि थी। मुझे आवेदक गण के इस तर्क में बल दिखाई देता है कि खसरा नंबर 601/1 के अंशधारकों और खसरा नंबर 589 के भूमि के अंशधारों के भूमि धारण करने के स्रोत एक से हैं, अर्थात लक्ष्मण सिंह से ही हैं। निगरानी कर्ता ने भूमि नंबर 601/1, जो लक्ष्मण सिंह के भूमि स्वामी हक की भूमि थी, के अंश भाग लक्ष्मीबाई नंदराम को हस्ताक्षर करी, ये पूरा इन्होंने बताया है। अतः करके अल्टीमेटली मानो निगरानी अंशता स्वीकार करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर छतरपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि विधि व प्रक्रिया खसरा नंबर 600 व उसके अंश भागों पर प्रभावित होगी, वही प्रक्रिया 589 उसके अंश भागों पर प्रभावित होगी। इसके बाद सर इन्होंने एक रिव्यू लगाया इसी ऑर्डर के खिलाफ कि 589 के खिलाफ आप कार्रवाई करें पर 589 घ के खिलाफ ना करें जी। ये रिव्यू देख लें सर, 114 तो कह रहे थे अथॉरिटी इनके प्रभाव में है, ये अपर आयुक्त ने इनके खिलाफ ऑर्डर पारित किया है, वो है सर, उसको रिकॉल कर लिया। अच्छा, और ये रिव्यू की लैंग्वेज पढ़ लें सर, मैं रिव्यू की लैंग्वेज आपके खिलाफ आप आए थे क्या एमपी में? जी सर, मिसलिनियस ने पिटीशन लगाई थी क्या आपने उसके खिलाफ? नहीं सर, इसमें ऑर्डर ऑफ रिकॉल है हाँ, एडिशनल कमिश्नर का, इसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी? सर वो रिकॉल के खिलाफ जो ये पिटीशनर नंबर 2 है, ही हैज गॉन टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हाँ ठीक है, वो है सर। इसके बाद क्या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सर इसकी लैंग्वेज देख लें, जो बीएल मिश्रा जी के, वी आर नॉट देयर मैन, यू कम टू योर रिलीफ क्लॉज। जी मेरी रिलीफ तो कुछ दूसरी है सर, मैं इसमें कुछ और चीज आपको, नहीं नहीं तो जो जो रिलीफ क्लॉज है उसी के तारतम्य में पढ़िए, मैं बता, दिस इज क्रिमिनल पिटी, दिस इज रिट पिटीशन क्रिमिनल, यस माय लॉर्ड, पे सी रिलीफ क्लॉज। हां मैं सर रिलीफ क्लॉज पे भी आ रहा हूँ, मैं इनके जो पहले उस पे आ जाइए, उसके बाद में आगे उसी के लाइट में आगे को आपको जो कहना है कहिएगा। माय लॉर्ड पे सी द रिलीफ क्लॉज जी, दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली बी प्लीज टू इशू appropriate writ order direction directing the respondent number 2 SP EOW to inquire the conduct and misuse of power by respondent number 328 and after inquire register an FIR and prosecute them in the court of law for appropriate offence. जी, that this honorable court may kindly be pleased to issue appropriate writ order direction directing the respondent number 3 to take appropriate action in respect of khasra number 589/4 of village Bagota and pass an speaking order on the representation of the petitioner and also to the remove construction from government land situated from plot number 589/4 and nala encroached by BL Mishra, as also to remove the construction illegally done by him on khasra number 589/4 of village. कहाँ है ये 589? ये मैं बता रहा हूँ, एंट्री ये मैं बता रहा हूँ सर, P21 देख लें सर, पेज 94, क्योंकि हमारी दो रिलीफ है सर, एक तो गवर्नमेंट ऑफिसर किस तरह से इसको फेवर कर रहे हैं, नंबर टू इन्होंने क्या करा, ये 94 पे आइए। हाँ ये सर इनकी प्रीवियस सेल डीड है, इससे आई एम नॉट कंसर्न्ड। हाँ, इसमें यू से दैट ही हैज एनक्रोच्ड अपॉन 589/4, वही बता, एंड प्लीज शो मी, वही बता, दिस लैंड इज रिकॉर्डेड एज अ गवर्नमेंट लैंड। मैं नहीं सर, बताइए पहले, मैंने सर मेरी रिलीफ है कि इसने जो बगल की रोड बंद कर दी है वो मैं डेमोंस्ट्रेट, नहीं नहीं वो आप, मेरी रिलीफ है ना सर, इस पे देख पढ़िएगा, ये पेज 95 देखें सर। नहीं नहीं पहले 7.2 दोबारा पढ़ लीजिए, आपने ऐसा कोई रिलीफ नहीं मांगा कि रास्ता बंद कर दिया गया है। मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं वही बता, आप यू विल नॉट सक्सीड, इफ यू विल डेविएट यू विल नॉट सक्सीड, नो आई एम नॉट डेविएटिंग, प्लीज आई विल, ये 7.2 दोबारा पढ़िए और बताइए, पास एन स्पीकिंग ऑर्डर ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर एज ऑल्सो रिमूव द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट लैंड, यू आर रिक्वायर्ड टू शो, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू, मैं 589/4 जो है सरकारी जमीन के रूप में दर्ज है, तो दिखाइए आप, मैं बता रहा हूँ, एंड नाला इनक्रोच बाय बी एल मिश्रा, तो दिखाइए ना, मैं बता रहा हूँ, पेज 95 देखें सर, ये नक्शा देखें सर, उत्तर में इनकी जमीन जो थी 60 फीट थी, और छतरपुर रोड पे ये देखें सर, पेज 95 पे जो इनकी
जिस रजिस्ट्री से नहीं नहीं आई विल नॉट सी ऑल दिस माय लॉर्ड, आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ उतना बताइए। इन्होंने नक्शा बदल दिया, नहीं ये सब हमारा काम नहीं है, उसके लिए आप रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास जाइए। प्लीज यू आर रिक्वायर्ड टू शो दैट दिस लैंड कंटेन्ड इन 589/4 इज अ गवर्नमेंट लैंड, शो मी खसरा एंट्री दैट इट इज रजिस्टर्ड एज अ गवर्नमेंट लैंड। इट इज नॉट अ गवर्नमेंट लैंड माय लॉर्ड, देन व्हाई यू आर राइटिंग दिस, यू हैव मेंशनड इट। मैं वो रिव्यू तो इसीलिए आपको बता, गवर्नमेंट लैंड सिचुएटेड फ्रॉम द प्लॉट 589/4 एंड जी ये सर रिव्यू का ऑर्डर दे, नहीं नहीं आई विल नॉट गो इनटू ऑल दिस, वी आर नॉट सिटिंग हियर इन अपील माय लॉर्ड, मैं कह रहा हूं यू सेटिस्फाई मी ऑन द टचस्टोन ऑफ द क्वेरीज व्हिच आर पुट टू यू बाय द कोर्ट माय लॉर्ड। ये दिखाइए आपने क्योंकि कहा है दैट ही हैज मेड अ कंस्ट्रक्शन on the government land situated on plot number 589 sir, उसके लिए page 95 देखो। 95 बताइए सर, 95 पे जो इन्होंने इनकी प्रीवियस रजिस्ट्री थी उस पे हाईवे पे इनका एरिया था 60 फुट और प्लॉट की चौड़ाई थी गहराई 70 फुट थी जिसके उत्तर में नाला था। कहाँ लिखा है वो ये देखें सर, पेज उत्तर में नाला तो अभी भी लिखा हुआ है पेज 95। मैं वही बता रहा हूँ आपको सर, हाईवे पे 60 है गहराई 70 है। अब जो जिस रजिस्ट्री से इन्होंने परचेज किया, जो इन्होंने मैनिपुलेट किया वो देख लें सर, पेज नंबर 104 पे हाईवे पे 70 फुट कर दिया इन्होंने। ये 104 रजिस्ट्री है क्या? हाँ इनकी रजिस्ट्री है जिसको इन्होंने मैनिपुलेट, रजिस्ट्री चलिए दोनों रजिस्ट्री लगाई मैंने, प्रीवियस रजिस्ट्री में हाईवे पे 60 था और गहराई 70 थी। जाइए इस रजिस्ट्री का कैंसिलेशन का आवेदन लगाइए। सर हम तो शिकायत कर रहे हैं, नोबडी इज टेकिंग एक्शन। ठीक है अब ये देखें सर, ये इन्होंने इसकी चौड़ाई 60 फुट करके और 10 फुट जो जमीन पीछे के लोगों का रास्ता था वो बंद करके रखा हुआ। हाँ लिखा है रास्ता, ये एडमिटेडली है, ये देखें सर, ये जो 10 फुट इन्होंने बढ़ाया है, वी आर एंटरिंग इनटू दैट एरिना व्हिच इज नॉट कवर्ड। माय लॉर्ड में सी वी हैव मेड सेवरल, हमारे रिप्रेजेंटेशंस पे तो ऑर्डर करें सर। नहीं अब ये रिव्यू का ऑर्डर देख लें सर आप, रिव्यू में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ऑलरेडी चैलेंज है, बट रिव्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ऑर्डर आ जाए तब आइएगा यहाँ पर। माय लॉर्ड रिव्यू के ऑर्डर में द अथॉरिटी हैज रिव्यूड द ऑर्डर सेइंग दैट 589 इज अ गवर्नमेंट लैंड। ईओडब्ल्यू का जुरिसडिक्शन बताइए पहले, रिलीफ नंबर 1 ईओडब्ल्यू का क्या जुरिसडिक्शन होता है? बिकॉज दीज, अब ये देख लें सर ईओडब्ल्यू का जुरिसडिक्शन बता देता हूँ जी। माय लॉर्ड में सी दिस ऑर्डर डेटेड पास बाय द 145 जी, दिस इज ऑर्डर डेटेड 30/12/2019 जी। ये रिस्पोंडेंट नंबर 9 की शिकायत पे जी, ये रीडेबल ही नहीं है, पेज 147 रीडेबल नहीं है, 149 बोल रहा हूँ, 147 की टाइप कॉपी फाइल करिए सर। कहाँ फाइल की है आपने? आपके ऊपर जो रजिस्ट्री इतनी मेहरबानी दिखा रही है उनकी जांच हो जाएगी सर, एंड दे मे लूज देयर जॉब मालूम, बट सिंस देयर वाज नो डिफॉल्ट, समझ में आ रहा है ना, तो ईओडब्ल्यू की इंक्वायरी तो छूट जाएगी, कहीं उनकी जांच हो जाएगी, एक दो की नौकरी चली जाएगी। नाउ माय लॉर्ड व्हाट हैज हैपेंड, 147 इज नॉट रीडेबल। माय लॉर्ड आई विल फाइल द टाइप कॉपी, नो यू फिनिश इट टुडे, फिनिश इट, आप कन्विंस करिए मेरे को। आप नाउ दिस ऑफिसर लोकस बताइए, माय लॉर्ड आई हैव, नहीं अरे भाई 489/4 में आपका क्या लोकस है, हु आर यू? My lord, we were the owner, ancestral, my grandfather's land is this. That was sold in favor of some khare and then that khare sold it in favor. Yes. Now, my lord, may see this 145. By this order, the SDM has declared all the land government land, my lord. ठीक है. Now, this order was challenged before the Honorable High Court. जी. Up to the Supreme Court, my lord, we have succeeded. बताइए, you were party to this. I am party, my lord. My uncles, these lands belong to my family, my lord. No. इतना वेग जो आप बहस करते हैं ना, family को कभी जिसकी जिसके पक्ष में जमीन है वो आए, आपका क्या लोकस है? My lord, may see my FIR. We are the owners. We are the owners, my lord, and we have lodged the FIR. पढ़िएगा FIR में. पढ़ दे पास. P2, page 21. हाँ पढ़िए. P2, page 22.
माल। क्या लिखा है आपने इस FIR में? आवेदक शैलेंद्र सिंह पिता राम प्रसाद सिंह। नाउ माय लॉर्ड मे सी, जमीन का खसरा नंबर कहाँ लिखा है जो आप बोल रहे हैं? 489/4 आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी, कहाँ लिखा है FIR में जमीन का खसरा नंबर? इनफैक्ट माय लॉर्ड मे सी, माय फादर्स नेम इज राम प्रसाद सिंह। अरे, वी आर नॉट कंसर्न विद योर फादर्स नेम, आई एम कंसर्न विद यू क्लेम दैट लैंड टू बी योर ओन, वेयर यू हैव मेंशनड दैट इट इज योर लैंड विच हैज बीन एनक्रोच्ड बाय द प्राइवेट रिस्पोंडेंट एंड हाउ इट विल गिव राइज टू अ केस माय लॉर्ड फॉर अवर लैंड्स आर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR. सिचुएटेड एट द बैक ऑफ हिज हाउस। कहाँ लिखा है इसमें? खसरा नंबर आपने दिया ही नहीं है खसरा नंबर माय लॉर्ड में सी, एवरीवेयर इट इज मेंशनड दैट लक्ष्मण सिंह इज FIR में, माय। पढ़िएगा जरा खसरा नंबर FIR में नहीं दिया है सर। नहीं दिया है ना? चलिए, अब आप बताइए, आप इसको विड्रॉ करके अल्टरनेट रेमेडी अवेल करना चाहेंगे कि इसको जो है मेरिट पे खारिज करना है? माय लॉर्ड वी वी व्हाट माय सबमिशन इज, यू हैव टू ऑप्शंस, ईदर टू विड्रॉ इट एंड अवेल रेमेडी बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और शुड आई डिसमिस इट ऑन मेरिट? माय लॉर्ड आई विल सीक द इंस्ट्रक्शन, इट मे बी टेकन अप एट 2:30। हाँ ठीक है, 2:15 में।